इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई के मामले में आईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी ने मामले की सख्त मजम्मत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि चुनी हुई सरकारों और फसादी भीड़ में कोई फर्क नहीं रहा। इंदौर में चूड़ियां बेचने वाले तस्लीम को एक शरपसंद भीड़ ने बेरहमी से पीटा। अब पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ ही FIR दर्ज कर ली है। ओवैसी ने लिखा कि तस्लीम का जुर्म यह है कि वो मुसलमान होने के बावजूद चुपचाप लिंच नहीं हुआ। ओवैसी के इल्जाम पर पलटवार करते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि ओवैसी बांटने की सियासत करने वाले मुल्क मुखालिफ हैं। सारंग ने कहा कि MP अमन का टापू है, इसलिए यहाँ खुशनूदी की चाल नहीं चलेगी। सारंग ने कहा कि मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह से सरकार पर निशाना साधा इंदौर में एक चूड़ी वाले की पिटाई मामले पर। ओवैसी ने कहा कि एक शरपसंद भीड़ ने बेरहमी से पीट दिया एक बेकसूर को। इस बीच आप बता दें कि पुलिस ने तस्लीम नाम के इस नौजवान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।